गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। और आज मैं आशुतोष सोनी, आज हम जो आदि योगी का जो आधा पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो ड्रॉ किया था, उसके बाद हम सेकंड पार्ट जो पूरा आदि योगी का जो स्केच वो ड्रॉ करेंगे। सो जो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ तक ड्रॉ किया था और इस पार्ट को हम इस पार्ट में ले जाएंगे, मतलब यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आज ये समझाऊँगा आपको कि कैसे बनाना है। सो और इसको मैं मतलब पेंट करने वाला हूँ। पहले हमने थोड़ा आउटलाइंस ड्रॉ किया था और अब हम उसको पेंट करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, जो 3D लगे। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने कलर फील करना स्टार्ट किया था। जो ब्लैक कलर था मैं वहाँ डबल मतलब अच्छे से फील कर रहा था, जो जहाँ पे ज़्यादा डार्क था ना एरिया, उसको मैं डार्क कर रहा था ब्लैक कलर से। सो आगे देखिए। यहाँ पे जो स्कल्पचर में जितना भी डार्क एरिया था, मतलब जो हेयर्स में डार्क एरिया है, जो नेक में डार्क एरिया है, वो सारा मैं फील कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डे टू की वीडियो स्टार्ट की बनाना, मतलब एक दिन हो चुका था मेरे को बनाते, फिर मैं सेकंड डे बना रहा था। मैं पेंसिल से भी जो डार्क एरिया वो कंप्लीट कर रहा हूँ, जो ग्रेफाइट मतलब जो चारकोल पेंसिल है ना वो यूज़ करी है मैंने यहाँ पे। यहाँ से डे 3 स्टार्ट हुआ था, जिसमें मतलब मैं डे 3 तीसरा दिन था मेरा स्केच ड्रॉ करते करते। वैसे तो ये मेरा 5वां दिन है, बट इसमें तीसरा इस वाले वीडियो में। अभी मैं फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, जो फेस में जो डार्क एरिया है, जो फेस में शेडिंग्स वगैरह वो फील कर रहा था, इसलिए मैंने कलर इसमें दिया था।
यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रश लेके, मतलब छोटा वाला ब्रश लेके वो शेडिंग करी थी, क्योंकि जो छोटे मतलब जो छोटे पोर्शन है, छोटे एरिया, वहाँ पे छोटे ब्रश शेडिंग होती है, इसलिए मैंने वहाँ छोटा ब्रश यूज़ किया है। यहाँ से मेरा day 4 स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो मेन मतलब जो मेन दिन है उसमें मेरा छठा दिन था ये स्केच बनाते बनाते। और इसमें मैंने ग्रेफाइट का यूज़ किया था, क्योंकि मेरे को चारकोल से शेडिंग अच्छे से आई नहीं थी, इसलिए मैंने ग्रेफाइट यूज़ करी है यहाँ पे। और मैंने देखा ग्रेफाइट का शेडिंग्स अच्छे से आती है, मतलब फेस पे सब दूर मतलब जो वॉल पे ग्रेफाइट अच्छे से फैलता है, इसलिए मैंने ग्रेफाइट यूज़ किया था यहाँ पे। ग्रेफाइट से मैंने पहले उसको क्लीन किया, उसके बाद मैंने हाथ से रब करके उसको शेडिंग अच्छे से कर दी। देख रहे होंगे जो ग्रेफाइट से मैंने जो शेडिंग करी है और उसमें बहुत अंतर है, जो चारकोल से करी थी, लेकिन ग्रेफाइट से जो मैंने शेडिंग करी थी वो क्लियर दिख रही है उसमें। सो मेरे को लगा कि ग्रेफाइट से अच्छे से शेडिंग होती है, इसलिए मैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी ड्रॉ करूँगा तो ग्रेफाइट से शेडिंग करूँगा। ग्रेफाइट में मैंने एडबी पेंसिल यूज़ करी थी, जो एक्स्ट्रा डार्क होती है ना वो वाली यूज़ करी थी, क्योंकि वो अच्छे से फैलती है, मतलब कहीं पे भी वो डार्क भी होती है, इसलिए मैंने उससे ही सेट किया था। जैसा कि आप सबने देखा, हमने आदि योगी का जो वॉल पेंटिंग थी वो कंप्लीट ड्रॉ कर ली है। सो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।